हेलो एवरीवन, इट्स मिशेल पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के हमारे लेसन में हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, किससे रिलेटेड, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स और सेल ऑर्गेनिल्स के लिए। सो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल करके आते हैं और हर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डिफरेंशियली परमिएबल, ए सेल वॉल, बी मिडिल लैमिला, सी सेल मेम्ब्रेन या डी क्यूटिकल। इसका करेक्ट आंसर है सी, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ मैटर विच कैन बी कॉल्ड लिविंग, ए सेल, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी वायरस। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, सेल। नेक्स्ट, फल्जन रिएजेंट इज यूज टू स्टेन, ए आरएनए, बी प्रोटीन्स, सी डीएनए या डी कार्बोहाइड्रेट्स। इसका करेक्ट आंसर है सी, डीएनए। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n इज इक्वल्स टू 4 अकर्स इन, ए ओफियोग्लोसम, बी टेरिस, सी हैप्लोपैपस या डी सेल्विनिया। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हैप्लोपैपस। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म इज एक्चुअली अ, ए सॉल्यूशन, बी कंपाउंड, सी मिक्सचर या डी कोलोइड। इसका करेक्ट आंसर है डी, कोलोइड। नेक्स्ट, व्हेन सेट क्रोमोसोम्स कंटेन सेकंड सैटेलाइट्स देन दे आर कॉल्ड, ए डबल सेट, बी ट्रेबेंड सेट, सी टेंडम सेट या डी नन। इसका करेक्ट होगा सी, टेंडम सेट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज कॉन्सेंट्रेटेड, ए सेल वॉल, बी न्यूक्लियोलस, सी क्रोमोसोम या डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका करेक्ट आंसर है सी, क्रोमोसोम। नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ डेड सेल्स इज ब्रॉट अबाउट बाय, ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी लाइजोसोम्स, सी वैक्यूल या डी गॉल्गी एपरेटस। इसका करेक्ट है बी, लाइजोसोम्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल रिमेन्स एनवेलप्ड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी प्लास्टिड, सी राइबोसोम या डी लाइजोसोम। इसका करेक्ट है डी, लाइजोसोम। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म अंडरग्रो कोएगुलेशन विच रिजल्ट्स इन टोटल स्टॉपेज ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एट, ए 60 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 70 डिग्री सेल्सियस या डी 75 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट है ए, 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, हु स्टेटेड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स, ए स्वेनसन, बी स्क्वेनन, सी वर्चो या डी स्क्लीडन। इसका करेक्ट है डी, स्क्लीडन। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ए 200 नैनोमीटर, बी 7.5 नैनोमीटर, सी 150 नैनोमीटर या डी 1.0 नैनोमीटर। इसका करेक्ट है बी, 7.5 नैनोमीटर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, ए सीलिया, बी लाइसोसोम, सी ER या डी गॉल्गी बॉडीज। इसका करेक्ट है सी, ER। नेक्स्ट, द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ राइबोसोम इज, ए स्वेडबर्ग, बी एंगस्ट्रॉम, सी माइक्रोन या डी नैनोमीटर। इसका करेक्ट है ए, स्वेडबर्ग। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन, ए लाइसोसोम्स, बी गॉल्गी बॉडीज, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी नन। करेक्ट इज सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, हैमरलिंग परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट न्यूक्लियस इज फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी बाय वर्किंग ऑन, ए न्यूरोस्पोरा, बी ड्रोसोफिला, सी एसिटेब्युलेरिया या डी अमीबा। करेक्ट इज सी, एसिटेब्युलेरिया। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, ए राइबोसोम्स, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गॉल्गी बॉडीज या डी सेंट्रोसोम्स। करेक्ट इज ए, राइबोसोम्स। नेक्स्ट, द राइबोसोम ऑफ 70S सेडिमेंट कोएफिशिएंट ब्रेक्स इनटू टू सब यूनिट्स ऑफ, ए 50S एंड 20S, बी 50S एंड 40S, सी 50S एंड 30S या डी 60S एंड 40S। करेक्ट इज सी, 50S एंड 30S। नेक्स्ट, विच इज द एक्सेप्शन टू सेल थियरी, ए बैक्टीरिया, बी माइकोप्लाज्मा, सी वायरसेस या डी नन। करेक्ट इज सी, वायरसेस। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स बिकॉज ऑफ, ए फेगोसाइटिक एंजाइम्स, बी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, सी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स या डी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। करेक्ट इज बी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स।
Next, according to fluid mosaic model, plasma membrane presents A. quasi-fluid structure, B. a micellar structure, C. a polar structure, or D. a unit membrane structure. So, correct is A. a quasi-fluid structure. Next, a cluster of ribosomes held together is called A. mesosome, B. dictyosome, C. polysome, or D. microsome. So, इसका correct है C. polysome. Next, what Robert Hooke in 1665 first observed under microscope as a cell was in fact A. plasma membrane, B. cell membrane, C. cell wall, or D. cytoplasm. Correct is C. cell wall. Next, membranous units forming a series of continuous and discontinuous cavities in cell are called A. plasmodesmata, B. plasma lemma, C. endoplasmic reticulum, or D. chromatin network. इसका correct is C. endoplasmic reticulum. Next, molecular model of plasma membrane was proposed by A. Watson and Crick, B. Danieli and Devson, C. Skoog and Miller, or D. Singer and Nicholson. Correct is B. Danieli and Devson. Next, a lysosome enzyme are basically A. acid hydrolase type, B. dehydrogenase type, C. carboxylase type, or D. oxidase type. इसका करेक्ट है ए एसिड हाइड्रोलेस टाइप. नेक्स्ट, अ सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन इज फाउंड इन ए माइक्रोकोकस, बी राइजोपस, सी नोस्टॉक, या डी माइक्रोस्टीरियस. करेक्ट इज डी माइक्रोस्टीरियस. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, बी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, सी इनिशिएशन ऑफ सेल डिविजन, या डी फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. इसका करेक्ट आंसर है ए फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. नेक्स्ट, ऑटोसोम इज ए एक्रोमेटिक, बी सेक्स क्रोमोजोम, सी क्रोमोजोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोजोम, या डी नॉट अ क्रोमोजोम. सो इसका करेक्ट है सी. नेक्स्ट, राइबोसोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ए बेंडा, बी स्वेंसन, सी ऑल्टमैन, या डी पैलेड. करेक्ट इज डी पैलेड. नेक्स्ट, द ऑक्सीजोम्स आर मेड ऑफ ए ग्लाइकोप्रोटीन्स, बी लिपोप्रोटीन्स, सी फॉस्फोप्रोटीन्स, या डी नन. Correct is B. lipoproteins. Next, the diameter of ribosomes varies from A. 100 to 150 angstrom, B. 60 to 100 angstrom, C. 200 to 240 angstrom, or D. 200 to 320 angstrom. Correct is C. 200 to 240 angstrom. Next, RNA is absent in A. cytoplasm, B. chromosomes, C. ribosomes, or D. plasma lemma. Correct is D. plasma lemma. Next, mitochondria are called powerhouse of the cell because these contains enzymes, B. they release ATP, C. they contain ribosomes, or D. they contain RNA and DNA. So correct is B. they release ATP. Next, colloidal theory of protoplasm has been given by A. Pallad, B. Altman, C. Fleming, or D. Fisher. Correct is D. Fisher. Next, hydrophobic ends of phospholipid molecules are A. polar, B. neutral, C. non-polar, or D. bipolar. So correct is C. non-polar. Next, which is not a membrane-bound structure? A. centriole, B. nucleus, C. endoplasmic reticulum, or D. none. Correct is A. centriole. Next, a term chromosome was introduced by A. Strasburger, B. Benda, C. Hofmeister, or D. Waldeyer. Correct is D. Waldeyer. Next, chromosomes are made up of structural units called A. nucleoli, B. endosomes, C. nucleosomes, or D. centrosomes. Correct is C. nucleosomes. Next, non-living substances of cell are collectively known as A. cytoplasm, B. plasma gel, C. mesoplasm, or D. deutoplasm. So, iska correct hoga D. Next, which is the smallest cell organelle? A. lysosome, B. spherosome, C. peroxisome, or D. ribosome. Correct answer is D. ribosome. Next, centromere is required for A. DNA duplication, B. cytoplasmic cleavage, C. chromosome segregation, or D. poleward movement of chromatids. Correct is A. DNA duplication. Next, lysosome along with food content is known as A. primary lysosome, B. secondary lysosome, C. residual body, or D. microbody. Correct is B. secondary lysosome.
Next, which cell structure occurs in epidermal cells of human but not in epidermal cells of leaves? A centriole, B mitochondria, C cell membrane, or D chromosome? Correct is A centriole. Next, characteristic size and shape of chromosomes of an organism at mitotic metaphase is known as A genotype, B genome, C karyotype, or D phenotype. So correct hoga C karyotype. Next, centromere is also called A secondary constriction, B primary constriction, C satellite body, or D locus. Correct is B primary constriction. Next, protoplasm is A colloidal solution, B suspension, C true solution, or D polyphasic colloidal system. Correct is D. Next, endoplasmic reticulum was discovered by A Sutton, B Potter, C D Barry, or D Pallad. Correct is B Potter. Next, the term microsome was given by A. Pallad, B. Claude, C. Singer, or D. Nunn. Correct is B. Claude. Next, microsome formed from A. ribosome, B. ER, C. Golgi body, or D. All. Correct is D. All of these. Next, plane of new cell wall formation in a dividing cell is determined by A. microfilaments, B. microtubules, C. ER, or D. Golgi apparatus. So correct is B. microtubules. Next, plastids contain A. cristae, B. microtubules, C. porous substance, or D. thylakoids. इसका करेक्ट होगा D. thylakoids. Next, the dark stained region in a chromosome are known as A. heterochromatin, B. euchromatin, C. ideogram, or D. plectonema. Correct is B. euchromatin. और जो light stained region होते हैं उसे क्या कहते हैं? Heterochromatin. Next, a normal plant suddenly started reproducing parthenogenetically. The number of chromosomes of second generation compared to parent plant will be A double, B half, C same, or D none. Correct is D none. Next, quantosomes were discovered by A. Frankel Conant, B. Temin and Baltimore, C. Lederberg and Totem, or D. Park and Begins. इसका करेक्ट होगा डी पार्क एंड बिगिंस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनॉमस? ए लाइसोसोम, बी स्फेरोसोम, सी पेरोक्सिसोम, या डी माइटोकॉन्ड्रिया. करेक्ट इज डी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसमें खुद का डीएनए होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेमी ऑटोनॉमस. नेक्स्ट, कैरियोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम कॉल्ड ए हिस्टोग्राम, बी हिस्टोग्राम, सी आइडियोग्राम, या डी टेलीग्राम. करेक्ट इज सी आइडियोग्राम. Next, phycoerythrin is present in A. leucoplast, B. ileoplast, C. rhodoplast, or D. amyloplast. So correct hoga iska C. rhodoplast. Next, spherosomes are associated with A. protein metabolism, B. lipid metabolism, C. nitrogen metabolism, or D. glycolate metabolism. So iska correct hoga B. lipid metabolism. Next, all the activities of cells are guided by A. ribosomes, B. cytoplasm, C. nucleus, or D. mitochondria. So, इसका correct क्या होगा? Nucleus. Next, the ends of chromosomes are called A. centromere, B. telomere, C. chromomere, or D. none. So, correct is B. telomere. Next, microtubules were discovered by A. Watson and Crick, B. D. Robertis and Franke, C. Jacob and Monod, or D. Zinder and Lederberg. So, correct होगा इसका B. De Robertis and Franke. Next, the chief role of lysosome is A. secretion, B. respiration, C. extracellular digestion, or D. intracellular digestion. So, iska correct answer hoga D. intracellular digestion. Next, the term cell was given by A. Virchow, B. Leeuwenhoek, C. Malfigy, or D. Hooke. Correct is D. Hooke. Next, according to cell theory, A. all organisms are made up of cell, B. all cells have nuclei, C. all cells reproduce by mitosis, or D. all cells must undergo meiosis. So, इसका correct answer होगा A. Next, in plant cells, dictyosomes are involved in production of A. nuclear membrane material, B. cell wall material, C. vacuolar membrane material, or D. all of the above. इसका correct answer होगा B. cell wall material. Next, the nuclei arise from
pre-existing nuclei was suggested by A. Strasburger, B. Hofmeister, C. Van Beneden, or D. Hertwig. So, its correct answer will be B. Hofmeister. Next, length of chromosome is directly proportional to A. size of organism, B. size of nucleus, C. size of DNA, or D. number of genes. इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑफ जीन्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबंडेंट इन प्लांट्स, ए स्टार्च, बी सेल्यूलोज, सी ग्लूकोज या डी सुक्रोज. इसका करेक्ट होगा बी सेल्यूलोज. नेक्स्ट, लाइसोसोम्स अकर्स मोस्टली इन ए एल्गी, बी बैक्टीरिया, सी प्लांट्स या डी एनिमल्स. सो करेक्ट होगा डी एनिमल्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, ए ब्राउनियन मूवमेंट, बी ग्रोथ, सी रिप्रोडक्शन या डी रेस्पॉन्सिवनेस. सो इसका करेक्ट होगा ए ब्राउनियन मूवमेंट. नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल एंजाइम्स प्रेजेंट इन सेल, माइटोकॉन्ड्रिया अलोन हैव ए 95%, बी 70%, सी 40% या डी नो एंजाइम्स. सो इसका करेक्ट होगा बी 70%. नेक्स्ट, स्ट्रोमा इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी क्लोरोप्लास्ट या डी माइटोकॉन्ड्रिया. करेक्ट इज सी क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर सेंटर ऑफ ए एनारोबिक रेस्पिरेशन, बी स्टार्च सिंथेसिस, सी प्रोटीन सिंथेसिस या डी फैट सिंथेसिस. करेक्ट आंसर इज सी प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी ट्रांसमिशन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी पॉलीप्लॉइडी, सी स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स या डी माइटोसिस. करेक्ट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, क्रोमोसोम इज मेड ऑफ ए डीएनए, बी डीएनए एंड प्रोटीन्स, सी डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स या डी आरएनए एंड प्रोटीन्स. करेक्ट इज सी डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स. नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी आयरन या डी मैग्नीज. करेक्ट इज बी मैग्नीशियम. नेक्स्ट, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एडवोकेटेड बाय ए ड्यूट्रोकेट, बी स्क्लीडन एंड स्वानन, सी वर्चू या डी जीन ब्रैकेट. करेक्ट इज सी वर्चू. नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट सेल्स सो फार ऑब्जर्व्ड आर ऑफ ए बैक्टीरिया, बी वायरसेस, सी PPLO या डी यीस्ट. करेक्ट आंसर इज सी PPLO. नेक्स्ट, जे हैमरलिंग वर्कड ऑन एसिटेबुलेरिया विच इज ए मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गा, बी यूनिसेलुलर फंगस, सी यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा या डी नन. सो करेक्ट आंसर इज सी यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा. नेक्स्ट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ प्लाज्मोडिज्मेटा, ए गॉल्गी बॉडीज, बी पिट्स, सी ER या डी नन. सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी. नेक्स्ट, वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड ऑन एपिडर्मल सेल्स इज ए लिग्निन, बी क्यूटीन, सी सुब्रीन या डी म्यूसिलेज. सो करेक्ट इज बी क्यूटीन. क्यूटीन की डिपोजिशन क्यों होती है? ताकि ट्रांसपीरेशन में वाटर लॉस कम हो. नेक्स्ट, रफ टच ऑफ इक्विसिटम इज ड्यू टू ए क्यूटीन, बी लिग्निन, सी सुब्रीन या डी सिलिका. इसका करेक्ट आंसर है डी सिलिका. नेक्स्ट, विच इज एक्सोस्केलेटन ऑफ प्लांट सेल, ए ER, बी गॉल्गी बॉडी, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या डी सेल वॉल. करेक्ट इज डी सेल वॉल. नेक्स्ट, ऑयल कैविटीज इन सिट्रस आर ए साइजोजिनस कैविटी, बी लाइसोजिनस कैविटी, सी साइजोलाइसीजिनस कैविटी या डी नन. करेक्ट इज बी लाइसोजिनस कैविटी. नेक्स्ट, द फेमस यूनिट मैम्ब्रेन मॉडल वॉज गिवन बाय ए डॉसन एंड डेनियली, बी रॉबर्टसन, सी सिंगर एंड निकोलसन या डी नन. करेक्ट इज बी रॉबर्टसन. नेक्स्ट, फ्लूइड मोसाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मैम्ब्रेन वॉज गिवन बाय ए डूप्रो, बी डेनियली, सी रॉबर्टसन या डी सिंगर एंड निकोलसन. सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी. नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन ऑफ ER इज ए परमिएबल, बी सेमी परमिएबल, सी सेलेक्टिवली परमिएबल या डी इम्परमिएबल. करेक्ट इज सी सेलेक्टिवली परमिएबल. नेक्स्ट, द एंथोसाइनिंस आर प्रेजेंट इन ए साइटोप्लाज्म, बी सेल वॉल, सी क्लोरोप्लास्ट या डी सेल सैप. करेक्ट इज डी सेल सैप. नेक्स्ट, द पिगमेंट विच कम्स आउट ऑफ लीफ ऑन बॉइलिंग इन H2O इज ए ज़ैंथोफिल, बी कैरोटीन, सी एंथोसाइनिन या डी क्लोरोफिल. करेक्ट इज सी एंथोसाइनिन. नेक्स्ट, द नेम सार्कोड टू प्रोटोप्लाज्म वॉज गिवन बाय ए पुर्किंजे, बी मैक्स क्लूड्स, सी डुजार्डिन या डी नन. सो इसका करेक्ट होगा सी डुजार्डिन. नेक्स्ट, इन प्लांट प्रोटोप्लाज्म
परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इज अबाउट ए 2%, बी 1%, सी 15% या डी 7%. सो करेक्ट इज डी 7%. नेक्स्ट, द टर्म क्लोरोप्लास्ट वॉज गिवन बाय ए हैकेल, बी हैंस्टीन, सी स्किम्पर या डी केविन टू. सो करेक्ट इज सी स्किम्पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विच फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. दिस क्वेश्चन इज सेवरली रिपीटेड. इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्ट्रोमा, बी ग्रेना, सी बोथ ए एंड बी या डी नन. करेक्ट आंसर इज बी ग्रेना. और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में. नेक्स्ट, सेमी ऑटोनॉमस नेचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ड्यू टू ए डी एन ए, बी डी एन ए एंड आर एन ए पॉलीमरेजेस, सी राइबोसोम्स या डी ऑल. सो करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, द टर्म क्लोरोफिल वॉज गिवन बाय ए स्किम्पर, बी केविन टू या सी स्टॉल या डी नन. सो करेक्ट इज बी केविन टू. नेक्स्ट, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इज ए C55H72O5N4Mg, बी C55H70O5N4Mg. नेक्स्ट, C55H70O6N4Mg या डी C55H72O6N5Mg. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए C55H72O5N4Mg. नेक्स्ट, विच पिगमेंट हैज़ अ डोमिनेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. ए क्लोरोफिल ए, बी क्लोरोफिल बी, सी क्लोरोफिल सी या डी कैरोटीनॉइड्स. ए इज क्लोरोफिल. करेक्ट आंसर होगा इसका ए क्लोरोफिल ए. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ द टाइप ए 60S, बी 70S, सी 80S या डी 120S. सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 70S. अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट हुक पब्लिश द फिगर्स ऑफ कॉक सेल इन द बुक ए ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, बी फोटोग्राफिया, सी माइक्रोग्राफिया या डी फिलोसफिया बॉटनिका. इसका करेक्ट आंसर होगा सी माइक्रोग्राफिया. सो ये थे हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल के 100 क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ज़रूर इससे क्वेश्चन आएगा. सो इस लेसन को अच्छे से पढ़ने के बाद आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू वीडियोज़.